हेलो एवरीवन, अब तक हम एपी क्या होता है और उसके जनरल टर्म के बारे में सीख चुके हैं। आज हम बात करते हैं कि सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी, कि कई बार सवाल में हमें दिया होता है कि हमें सेलेक्ट करनी पड़ती है कभी 3 टर्म एपी की, कभी 5 टर्म एपी की, तो हमें उसको किस तरह से सेलेक्ट करें ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा सहूलियत रहे। आज हम उस चीज़ की बात करते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो हमेशा हमने सीखा ही है कि एपी को ये टर्म्स होती हैं, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी चलती रहेगी, तो हमेशा इस फॉर्म में तो एपी को अज्यूम कर ही सकते हैं। बट हमें बहुत बार ऐसा होगा कि हमें अपनी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम एपी को नए तरीके से ज्यूम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम देखते हैं। चलिए कि पहले मानते हैं, अगर n इक्वल टू 3 टर्म्स है, n इक्वल टू 4 टर्म्स है, n इक्वल टू 5 टर्म्स है, n इक्वल टू 6 टर्म्स है, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर n इक्वल टू 3 टर्म हो तो हमें पता है जब n ऑड होता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑड टर्म होगी। एक ऑड क्या है, एक मिडिल टर्म होगी, एक मिडिल टर्म होगी। और जब n इवन होता है तो 2 मिडिल टर्म होती है। n ऑड पे है ये n इवन पे है, कि एन ऑड पे हमेशा एक मिडिल टर्म होगा, तो हमें पता है एन इक्वल टू ऑड पे हमें पता है एक ही टर्म होगी। तो इस सिनेरियो में आप लीजिए ए माइनस डी, ए ए प्लस डी। जब एन ऑड है तो दो दो मिडिल टर्म होती है, उन दोनों मिडिल टर्म को आप लीजिए ए माइनस जी और ए प्लस डी, और उसके बाद वाली टर्म ले लीजिए आप ले लीजिए ए प्लस थ्री डी, यहाँ लिख दीजिए ए माइनस थ्री डी। अगर एन इक्वल टू 5 हो, ऑड है एक ही मिडिल टर्म में, तो मिडिल टर्म हमेशा ए रहने दीजिए, ये ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, और यहाँ ले लीजिए आप ए माइनस डी, ए माइनस टू डी। और एन इक्वल टू 6, एन इक्वल टू इवन पे लीजिए ए माइनस डी, ए प्लस डी मिडिल टर्म्स होती हैं, उसके बाद ये ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फाइव डी, यहाँ लीजिए ए माइनस थ्री डी, ए माइनस फाइव डी। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम सीक्वेंस अज्यूम कर पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, तो जब हमारे पास n इक्वल टू ऑड लेते हैं तो हमने उस सिनेरियो में मिडिल टर्म ली है और कॉमन डिफरेंस है, मिडिल टर्म हमारी a है, कॉमन डिफरेंस d है। बट जब n इक्वल टू इवन है तो उसमें मिडिल टर्म है और कॉमन डिफरेंस है, तो मिडिल टर्म उसमें हमने लिया, 2 मिडिल टर्म होती है, उसको हमने लिया a माइनस डी और a प्लस डी, और हमने कॉमन डिफरेंस लिया है 2d। आप देख सकते हैं a प्लस डी माइनस a माइनस माइनस डी विच इज 2d, इसमें हमेशा ये लिखते हैं। अब इनसे ईजी क्या होता है, क्योंकि बहुत बार सवाल में दिया होता है जैसे कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन ap, तो अब अगर हम इसको सम करेंगे तो सीधा हमें बीच वाली टर्म मिल जाएगी, जैसे a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी विच इज 3a, जो कि 180 के बराबर, जो कि 3a हो जाएगा, वो सीधा हमें टर्म दे देगा। तो इसी तरीके से हम, इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं कि n इक्वल टू 3 में हम ऐसी टर्म लें। सिमिलरली एक n इक्वल टू 4 पे भी दे सकते हैं, सीधा इक्वल टू 4a हो जाएगा, n इक्वल टू 5 पे 5a हो जाएगा, n इक्वल टू 6 पे 6 हो जाएगा, हम इसलिए प्रेफर करते हैं। अब इसमें सब, अब एक नई चीज़ की और बात करते हैं कि अगर हम आपको कहें कि ए बी सी आर इन ए पी, अगर ए पी पे हैं तो हमें पता है कि b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, कॉन्जिगेटेड टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा कॉन्स्टेंट होगा, उसको हम d कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो इससे हमारे पास एक रिलेशनशिप आता है 2b इक्वल टू ए प्लस सी। ये रिलेशनशिप हमें याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, मस्ट रिमेम्बर है, कि अगर 3 टर्म्स हमारी ab में है तो उनका रिलेशनशिप होगा 2b इक्वल टू ए प्लस सी। हम मैक्सिमम जगह पे इस रिलेशनशिप को डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। इसमें एक और थ्योरेटिकल चीज़ होती है कि b इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू, तो इसमें हम b को कहते हैं अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड c। ये एक डेफिनेशन होती है, इसको याद रखेंगे, b इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू। अगर आपके पास 2 नंबर हैं a और मतलब a और b, और उनको आपको कहते हैं कि अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो वो ऐसे a प्लस बी बाई टू हो जाएगा।
इस नॉमनक्लेचर में बस दो नंबर ए और डी हैं, तो उस सिनेरियो में बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू हो जाएगा, जो कि अरिथमेटिक मीन है, जो कि काफी सिमिलर है एवरेज कॉन्सेप्ट के कि जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और सवाल करेंगे और इनके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखेंगे, ताकि अगर हमें फ्यूचर में कोई भी और सवाल मिले हम इसको सॉल्व कर सकें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो आज हम थ्योरम करने वाले हैं। थ्योरम कहती है द सम ऑफ एनी टर्म्स ऑफ एन ए पी विद फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, कि पहली टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस जो है डी है, इज गिवन बाय एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, जहाँ की ए मेरी फर्स्ट टर्म है, एन मेरी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है जो कि एन टर्म्स है, और डी मेरा कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो आइए इस थ्योरम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हमें पता है कि इन जनरल हमारे पास कुछ सीक्वेंस ए पी है, तो उसकी टर्म दी जाती हैं, ए एन एट टर्म दी जाती है ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, ये डिनोट करते हैं ए एन एट टर्म, कि ए एन एट टर्म इज गिवन बाय ए प्लस एन माइनस वन टाइम डी। तो इससे हम देख सकते हैं मेरा एस एन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस थ्री डी सो ऑन प्लस ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, ये डिनोट कर रहा है ए पी का सम जिसकी टोटल एन टर्म्स है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि आप इसको रिवर्स करके लिखें। तो इस सिनेरियो में हो जाएगा एस एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू टाइम्स डी प्लस ए प्लस एन माइनस थ्री टाइम्स डी प्लस ए प्लस एन माइनस फोर टाइम्स डी से लेकर करके ए तक। अब ऐसे आप पेयर बनाइए, अब लिखिए ऐड अबव इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए, तो उसमें होता है टू टाइम्स एस एन इज इक्वल टू दिस प्लस दिस हो जाएगा टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। इसको करके देखिए टू ए प्लस अगेन एन माइनस टू प्लस वन टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। इसको करके देखिए ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस एन माइनस थ्री टाइम्स डी, जो कि अगेन टू प्ले प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी हो जाएगा। ये चलते चलते आखिरी में भी ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स जी प्लस ए, जो कि टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी हो जाएगा। ये जो मेरे फैक्टर है बेसिकली आप देख सकते हैं, ये तो पहली बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, एन टर्म्स तो ऑब्वियसली बात है एन टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो इससे हमारे पास आ जाता है टू एस एन इज इक्वल टू एन टाइम्स टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। तो इससे मेरे पास एस एन आ गया एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, जो कि मेरी थ्योरम स्टेट करती है कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज गिवन बाय एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। तो इस लेक्चर में बेसिकली हमने सीखा कि अगर हमारे पास कोई ए पी है जिसमें एन टर्म्स है, तो उसका सम गिवन होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम जी। इसको मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफ़ी जगह आगे यूज होगा, इसको हमें याद रखना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिलेटेड कुछ सवाल करने की कोशिश करेंगे और इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। हेलो एवरीवन, तो हमारे पास क्वेश्चन है दैट sum of first six terms of an arithmetic progression is 42. The ratio of its 10th term to its 30th term is 1:3. Now we need to calculate the first and 13th term of an AP. कि basically the sum जो है हमारे पास पहली छः terms का वो 42 है. The ratio of its 10th term to its 30th term is 1:3. We need to calculate the first and 13th term of an AP. तो हमें पता है कि हमें कोई भी एपी लिखने के लिए एक तो उसकी फर्स्ट टर्म चाहिए और एक कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में ऑलरेडी सीख लिया है कि सम एनी टर्म का सम का फॉर्मूला होता है एन बाई टू
टाइम्स 2a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, और जो जनरल टर्म एनथ कोई टर्म होती है वो होती है a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। अब पहली कंडीशन की बात करते हैं, उसमें लिखा है कि जो सम है पहली छः टर्म का वो 42 है, तो हम एस सिक्स की बात करते हैं, दैट इज 6/2 2a प्लस 6 माइनस वन टाइम्स डी इज इक्वल टू 42 दे रखा है, ये कटा 3, ये हुआ 14, तो विच गिव्स मी, जो कि हमें देता है 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 14, ये कोई इक्वेशन 1। अब दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं, दूसरी इक्वेशन में लिखा है कि रेशियो ऑफ इट्स 10 टर्म टू इट्स 30th टर्म इज 1:3, कि a 10 बाय a 30th इज 1:3, ये हमें देता है a प्लस 9 टाइम्स डी अपॉन a प्लस 29 टाइम्स डी इज 1/3। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3a प्लस 27 टाइम्स डी इज इक्वल टू a प्लस 29 टाइम्स डी, तो 2a इज इक्वल टू 2d, 2a इक्वल टू 2d है, विच गिव्स मी a इक्वल टू डी। ये आप डालें किस में, ये एक पुट करें इक्वेशन 1 में, हमारी इक्वेशन 1 ये है 2a प्लस 5d इक्वल टू 40। तो जब आप इसको डालते हैं तो उससे होता है, हमारे पास इक्वेशन है 2a प्लस 5d इक्वल टू 40, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें डालेंगे तो इससे हो जाएगा 7 इक्वल टू 14, विच गिव्स मी a इक्वल टू डी इज इक्वल टू 2। तो इससे हमारे पास आएगा क्या, कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है जो कि बराबर है a के, वो इक्वल टू 2 है, जो पहला सवाल था। और दूसरा सवाल है, हमें फर्स्ट टर्म और 13 टर्म निकालनी है एपी की, जो तो 13 टर्म होगी a 13 होगी वो होती है a प्लस 13 माइनस 1 टाइम्स डी, a प्लस 12 डी, 2 प्लस 12 टाइम्स 2 ये 26, a 13 इक्वल टू 26। ये एक सेट ऑफ प्रॉब्लम होता है जिसमें हमें इसमें इस सवाल में हमने सीखा कि अगर वही हमें एपी की कोई भी टर्म चाहिए तो हमें उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए। उसको निकालने के लिए क्वेश्चन में हमें दो कंडीशन दी हुई थी, कि पहले सम दिया होता और एक रेशियो ऑफ 10 टर्म टू 30 टर्म दिया होता। अगले वीडियो लेक्चर में भी हम इसी तरह के एक दो सवाल और नए ट्राई करेंगे, ताकि हम एपी के कॉन्सेप्ट्स को और अच्छी तरह समझ सकें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो आज हमारे पास सवाल है दैट इफ इन एन एपी, हमारे पास एक एपी में द सम ऑफ एम टर्म्स इज इक्वल टू एन, कि m टर्म्स का इक्वल सम जो है वो n के बराबर है, एंड सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू m, देन प्रूव दैट सम ऑफ m प्लस n टर्म्स इक्वल टू माइनस ऑफ m प्लस n। चलिए, हमें पता है कि sm हम देते हैं m बाय 2 2a प्लस m माइनस 1 टाइम्स d, जो कि दिया हुआ है n के बराबर। sn लेते हैं n by 2 2a plus n minus 1 times d, जो कि दिया हुआ है m के बराबर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब आप कंसिडर कीजिए, माइनस कीजिए 1 माइनस 2, तो उससे हमारे पास आएगा m by 2 2a plus m minus 1 times d माइनस में एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी इक्वल टू एन माइनस एम। यहाँ पे आप ऐसा कीजिए कि एक जगह 2a का कोफिशिएंट लाइए, एक जगह इसका कोफिशिएंट लाइए। पहले हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ 2a के थ्रू, तो 2a का जब मैं बात करूँगा तो उससे हो जाएगा m बाय 2 माइनस एन बाय 2 प्लस डी टाइम एम इंटू एम माइनस 1 बाय 2 माइनस एन इंटू एन माइनस 1 बाय 2 इक्वल टू एन माइनस एम, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम लिखने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा
2a इनटू m माइनस n टाइम्स 2 प्लस d इनटू m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस n का होल डिवाइड बाय 2, इसको यहाँ 2 ले लेते हैं, इक्वल टू n माइनस m। अब इसको लिखिए, तो अगर हम लिख सकते हैं इसको, दिस विल बी गिवन एज 2a इनटू m माइनस n बाय 2 प्लस d बाय 2 m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस में m माइनस n इज इक्वल टू n माइनस m। अब देखें इसको, यहाँ से m माइनस n कट जाएगा, यहाँ पे उसके जो m प्लस n हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, ये हम सॉरी प्लस 1 ही रहेगा क्योंकि m माइनस n काट रहे हैं, यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा। तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 2a by 2 प्लस t by 2 m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। तो इससे हमारे पास आ गया 2a प्लस d टाइम्स m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2। अब आप कीजिए, कंसिडर कीजिए s ऑफ m प्लस n को, तुम्हें पता है s ऑफ m प्लस n आ जाएगा m प्लस n बाय 2 इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। इसकी वैल्यू जो है 2a प्लस दिस की, इसकी यहाँ डाल दीजिए, तो m प्लस n बाय 2 टाइम्स माइनस 2, ये कटा, इससे हमारे पास आंसर आया s ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू माइनस ऑफ m प्लस n। हेंस प्रूफ। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारे अरिथमेटिक सीरीज का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट वीडियो लेक्चर होगा, उस वीडियो लेक्चर में हम एक और सवाल करेंगे और उसके साथ हम ये चैप्टर कंक्लूड करेंगे। तो आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट वीडियो लेक्चर करने वाले हैं। तो अब तक हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीख लिया है कि एपी क्या होता है, जनरल टर्म, टर्म सिलेक्शन, सिलेक्शन भी सीख लिया हमने, और उसका सम की बात भी हमने सीखी थी, एन टर्म का सम क्या होता है। अब इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन एपी आर ए बी सी, ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। हमें शो करना है दैट ए इंटू क्यू माइनस आर अपॉन पी प्लस बी इंटू आर माइनस पी अपॉन क्यू प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू अपॉन आर इक्वल टू जीरो। आज एक चीज के बारे में हमेशा ध्यान रखें, यही नहीं कभी भी ऐसा कोई सवाल है तो अब देखिए, हमने ये सीखा है कि ए पी को डिफाइन करने के लिए ए एक उसकी फर्स्ट टर्म चाहिए और डी कॉमन डिफरेंस चाहिए। अब हमें उन्होंने तीन कंडीशन दे रखी है, अगर हम तुम्हें से सोचिए, हमें पी का सम दे रखा है, क्यू टर्म्स का सम दे रखा है, आर टर्म्स का सम दे रखा है, जो कि यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। तो ऑब्वियसली बात है, आप दो सम से इनकी वैल्यूज निकालिए और तीसरे सम में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको अपनी कंडीशन मिल जाएगी। हमेशा ऐसा ही करना होता है, क्योंकि जनरली जब भी कंडीशन सॉल्व करनी होगी तो जितने हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे उससे प्लस वन कंडीशन हमें दी होगी। अगर हमारे चार वेरिएबल्स हैं तो हमें पांच कंडीशन दी होगी, तो आप चार वेरिएबल्स के लिए सॉल्व कीजिए और पांचवी कंडीशन में पुट कीजिए। सेम कॉन्सेप्ट हम लोकस में भी यूज़ करते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास है कि सम ऑफ पी टर्म, जैसे एस पी की बात करते हैं, इट इज पी बाई टू इंटू टू ए प्लस पी माइनस वन टाइम्स डी इज इक्वल टू ए। सिमिलरली हम एस क्यू को लिख सकते हैं, क्यू बाई टू टू ए प्लस क्यू माइनस वन टाइम्स डी इज इक्वल टू बी, एंड एस आर इज आर बाई टू टू ए प्लस आर माइनस वन टाइम्स डी इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी, ए बी सी था। अब आप कंसिडर करो पहले ये दोनों एस पी और एस क्यू, ठीक है। तो एस पी और एस क्यू में ये कीजिए कि आप इस हिस्से को यहाँ पे ले जाइए, तो इससे क्या होगा,
कि हमारे पास आ जाएगा 2a plus p minus 1 times d is equal to 2 times a upon p. सिमिलरली लिख सकते हैं 2a plus q minus 1 times d is equal to 2 times b upon q. और ऐसे ही लिख सकते हैं 2a plus r minus 1 times d is equal to 2 times c upon r. a, b, c था. अब ऐसा कीजिए, सब्सट्रैक्ट, इसमें इक्वेशन डिफाइन कीजिए. इसको कहिए पहली, इसको कहिए दूसरी, इसको कहिए तीसरी. अब सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 को फर्स्ट से. तो लिखते हैं कि सब्ट्रैक्ट 3, पहले 3 माइनस 2 एंड 2 माइनस 1. 3 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास तो हम सब्ट्रैक्ट 3 माइनस 2 और 2 माइनस 1 करेंगे. 3 माइनस 2 को सब्ट्रैक्ट करने पे वी विल गेट दैट, अगर हम देखें तो r माइनस क्यू, r माइनस क्यू इज इक्वल टू टाइम्स d इज इक्वल टू 2c बाय r माइनस 2b बाय q. ये इक्वेशन को हम कुछ चौथा नंबर कह देते हैं. और सिमिलरली हम करेंगे जब 2 माइनस 1, तो हमारे पास आएगा q माइनस पाई टाइम्स d इज इक्वल टू 2b बाय q माइनस 2a बाय p. अब डिवाइड कर देते हैं इन दोनों इक्वेशंस को, इसको हम पांचवा कह देते हैं. डिवाइड 4 एंड 5, इन दोनों को डिवाइड करने पे वी गेट r माइनस q अपॉन q माइनस p इज 2 टाइम्स c बाय r माइनस b बाय q होल अपॉन b बाय q माइनस a बाय p डिवाइड बाय 2. पहले तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें मिलता है कि b बाय q माइनस a बाय p का होल मल्टीप्लाइड बाय r माइनस q अपॉन q माइनस p इज इक्वल टू c बाय r माइनस b बाय q. तो इससे मिल जाएगा r माइनस q इंटू b बाय q माइनस a बाय p इज इक्वल टू c बाय r माइनस b बाय q इंटू q माइनस p. अब यहाँ पे कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले कोफिशिएंट देखिए c बाय r का, जो कि आता है q माइनस p. माइनस में b बाय q का कोफिशिएंट देखिए, माइनस में b बाय q का कोफिशिएंट आएगा q माइनस p प्लस r माइनस q प्लस a बाय p r माइनस q, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा. यहाँ पे q से q कटा और एक माइनस हम कॉमन भी ले जाएंगे, तो इससे हमारे पास आएगा c बाय r q माइनस p प्लस b बाय q p माइनस r प्लस a बाय p r माइनस q इक्वल टू 0. ये हमारा हेंस प्रूफ. इस तरीके से हम कोई भी सवाल प्रूफ कर सकते हैं. ये क्वेश्चन हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर को ख़त्म करता है. तो इस चैप्टर में हमने सीखा कि एपी क्या होता है, हमने उसके जनरल टर्म के बारे में पढ़ा, हमने उसके सम्स के बारे में पढ़ा, सम ऑफ एन टर्म निकालने का, हमने ये सीखा कि उसकी मिडिल टर्म कैसे फाइंड करनी है, हमने सीखा कि हमें टर्म सिलेक्शन कैसे करनी है, अगर हमें 3 टर्म एपी में ज्यूम करनी है, 4 टर्म एपी में ज्यूम करना है, और हमने उसके मिडिल टर्म के बारे में सीखा. तो बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट चीज हमने एक जो जरूर सीखी कि किसी भी एपी को लिखने के लिए हमें एक उसकी फर्स्ट टर्म चाहिए और उसका कॉमन डिफरेंस चाहिए, उसके बाद हम एपी के रिगार्डिंग कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू.